कुदरत को ऐसे धोखा देते हैं। साथियों को बुला रहा है तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इतने अच्छे से कि हम सोच भी नहीं सकते। ये प्रोजेक्टर है आज से 100 साल पुराना है। ये पाथे फ्रांस कंपनी का है। इंडिया के अंदर पिक्चर लाइन नहीं थी, सिर्फ फॉरेन में थी। जब से ये बोबड़ा पिक्चर चलता था, बिल्कुल साइलेंस, उसमें आवाज़ नहीं होती थी, खाली पिक्चर चला और उसके डायलॉग कोई माइक से बोल लेते थे लोग। उस जमाने का ये प्रोजेक्टर है। जब एक 10 लाख पिक्चर आई थी, संजय खान की पिक्चर 10 लाख पिक्चर, वो सबसे पहले मैंने रील चलाई थी और मेरे पिताजी बहुत बोले कि शॉट लग जाएगा, ऐसे ऐसे बोले थे। मैंने अपना हास्य मन से ही चला लिया फिल्म और पूरा चालू करके गाना भी देखा मैंने 10 लाख पिक्चर का। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, वो गाना चलाया सबसे पहले, संजय खान की पिक्चर थी। जब मैं 5-6 साल का हूँगा, बहुत छोटा था। 25 साल मिल में लग गए मुझे, उसी मिल में। भारत सूर्योदय मिल है, 1986 में मिल बंद हुई एक्सेट में, और 1985 से मैंने ये लारी ज्वाइंट की। आना फिरोज भाई मेरे बहुत खास दोस्त थे बचपन के ही। क्या मिल बंद हो गई, काफ़ी तकलीफ पड़ी मेरे को। क्या बताऊँ आपको, मैंने पेडल रिक्शा तक चलाई ली। मुझे फिरोज भाई का साथ मिल गया और फिरोज भाई मुझे ले गए साथ में के चलो अभी तू बेकार है, मेरे साथ चल। वो जब से मैं लारी से चला हूँ और अभी तक चल रहा है, और यही लारी पे मेरी दोनों लड़कियाँ बड़ी हुई है और इसी पे सब कुछ है। भगवान के लिए बता कौन है तू भाई, कौन है तू? कुछ क्यों नहीं कहता? अरे तू वही होगा ना अच्छी कपड़े में। ए जल्दी रहा मर गया, चलो ये बच्चे भिगी करने के लिए पहले ये सब पैंतरे थे। जब वो टेप और कैसेट नहीं थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, जब उन्हें मेरे पिताजी आके न ऐसे करे तो बच्चे भिगी हो जाते थे। जब वो गाने, अभी तो खाली गाना बजाते तो सबको मालूम पड़ती है कि लारी आ गई। चूहा बना देता हूँ फिर बच्चों के सामने ऐसा ऐसा करूँगा, ले भाई यूँ करेंगे नहीं तो पक जाएगा। ऐसा है तो ये बीड़ी के नाम से तो यार आज की तारीख में मेरे पिताजी बहुत मशहूर है। अभी भी जितने लोग बोलते बस यही बोलते कि ये वही लाड़ी है ना जो बीड़ी का बीड़ी नु जादू करता था, एज लाड़ी, तो हम बोलते हाँ ये वही लाड़ी, हम उन्हीं के बच्चे हैं। 24 खिड़कियाँ हैं हमारे लाड़ी में, तो 24 हाउसफुल एकदम से तो जाएगा नहीं। मेले में जाता है तो मेले के अंदर अच्छा आ जाता है, लेकिन चालू दिन में तो 2-5 ग्राहक आए, 6 ग्राहक आए तो भी हम दिखा देते हैं। 100 का अभी 1 रुपया लेते हैं हम। कोई वक्त कम भी आता है, कभी ज़्यादा भी आ जाता है, 200-300 रुपया तो आ जाता है अगर सही तरीके से चल जाता है तो। कम से कम 10-15 रुपए का रोज का उसके अंदर मेंटेनेंस है लारी के अंदर। कहीं भी हम जाते इस धंधे पे, हमारी काफ़ी इज्जत भी होती है और काफ़ी हमारी बेइज्जती भी होती है। कोई दारू पी के आता है तो कोई हमको गाली भी देता है कि भाई यहाँ से लारी हटा, यहाँ से भगा, यहाँ से, ये क्या दिमाग है ना। कोई ऐसे होते कि भाई नहीं तू चला, बरसों से चल रही है तुम्हारी लारी, तो हमारी इज्जत भी करते हैं। अच्छा लगता है कि हमारे पापा हैं
और ऐसा नहीं, जितनी भी हमने तकलीफ उठाई, हमने जो पापा से मांगा पापा ने बुला के दिया। मेरे को देखने तो पिक्चर का शौक मेरे को बता रहे था, पढ़ने के था कि ये धंधे मेरे पापा ने मेरे को बोला ना कि ये धंधे में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मैंने छोड़ के मेरे भाई को किया, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था। बॉम्बे से लाता हूँ, बॉम्बे में मलाड़ के अंदर ज़्यादा वेस्टेज लोग खरीद लेते हैं। एक पिक्चर की बहुत सी प्रिंटें बनती है, 200 250 बनती है, कोई 500 भी बन जाती है। तो पहले वह क्या होता था, चल चल के आ जाओ, फिर वो तो ऐसे ही पड़ी रहे, तो वो लोग क्या वहाँ चूड़ी बनाने में काम लेते हैं। तो जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं ना, प्लास्टिक की चूड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ पर हम जाओ ना तो अच्छी पिक्चर का माल हम खरीद लेते हैं। तो सब वेस्ट हमारे पास ही जाता था, वो वेस्ट को मैंने अच्छी तरह अच्छे अच्छे सीन निकाल के रस प्रिंट बना के ना चलाते थे लारी के अंदर। इस तरह हम जॉइंट करके ना वो टुकड़े जो अच्छे एक्सीन होती है, फाइटिंग का सीन अच्छा होता है, वो सब आ जाता था। मैंने अगर जो फिल्म आपसे देखी तो मेरे को तो बस ये दो ही पसंद ज़्यादातर आ गई, मुगले आजम और ये शोले हिट। सबसे ज़्यादा अभी तक तो ये शोले ही चली है, जब भी चलाता हूँ, जब चलती है। कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि फेंक देने के लायक है। शोले में भी आप देखिए कि मुगले आजम में भी देखिए, कोई सीन ऐसा नहीं है कि आप काट कर उसको फेंक दो। और आज की कोई भी फिल्म है तो मतलब तुमको वेस्ट में फेंकना ही है। तो आज की तारीख में साउंड की वजह से भूत का पिक्चर ही ज़्यादा चलता है। केम रुकाई गया, चलाओ चलाओ कुआरी। तुम्हारी कन्या ने घाटड़ी मंगल छे, मंगल ये तो सर्व मंगल ने निशानी छे, परंतु एनी कुंडली ना ग्रह बोले छे के जेनी साथे फेरा पड़शे एना जीवतो ने दुर्दशा थशे। अर्धी रात घड़ी ने हमने तुम्हें खिला चांदले काहे को। ये प्रोजेक्टर में तो साउंड बनानी है कंपनी में से, बाद में हमको ये अलग से बना दिया साउंड यहाँ पे आगे, तो आवी रीते आवाज नहीं आवे, पर आवी रीते मुकीस ने त्यारे ज आवाज आवशे। अपनी तरफ हसे ने मारी तरफ तो साउंड ने जे हेड आवे छे ने अपनी तरफ छे। आज ने ये 20 दांते का स्पोकर है, यूं बतायो बराबर। तो ये गेट, ये मेन गेट है, यहाँ से पिक्चर फोकस करता है। साउंड માટે અહીંયા લુક છે ને થોડુંક વધારે ને અહીં સુધી લઈ જવાની છે, અહીંયા 19મી ફિલ્મ એ એનો અવાજ હોય છે, તો એને આના માટે રોલરો બનાવ્યા પાછળથી, પ્રોજેક્ટર કંપનીના તો નથી પણ અલગથી, અહીંયા રોલિંગ નથી જાય પછી અહીંયા અવાજ આવે છે, એના માટે લેમ્પ આપેલો છે અહીંયા, ફોટો સેલ છે, ઓપ્ટિકલ લેન્સ છે, લેન્સથી ફોટો ડાયોડ આની અંદર નાખેલો છે ને એનાથી અવાજ આવે છે, એમ્પ્લીફાયર ચાલુ કરી અને भाई कहने हमारे 85-85 में वो मेरे पास आ गए, जब से हम दोनों का एक दिन अलग नहीं हुए हम, जब से हम एक यूँ समझो ना एक मियाँ बीबी का रिश्ता होता है ना, इस तरीके से
रोज हम दोनों मिलते हैं, कभी भी अलग नहीं हुए। और यानी ऐसा मतलब हमारा भी फिलहाल में संबंध है जैसे सगे भाई जैसा, भाई से भी बढ़ के दोस्त भी है, भाई भी है और फिरोज भाई मेरे गुरु भी है। तो ये संबंध के हिसाब से ये लारी चली है, अगर देखने जाओ ना तो हम दोनों के हिसाब से ये आज की तारीख में ये लारी जिंदा है ना। एक धंधा तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, किसी से भी पूछो आप तो यही बोलेगा कि आज की तारीख में सिनेमा बड़े बड़े टूट गए और आप ये सिनेमा चलाते हो, किस तरह चलता है आपका घोड़ा? तो बस इसी ढंग से रखते, कभी वो गर्म हो जाते हम चुप हो जाते, हम गर्म होते वो चुप हो जाते, इसी दौरान हमारा संसार चल रहा है और धंधा चल रहा है। और मालिक से ये दुआ है चले वहाँ तक चले, अगर दो में से एक का सांस खत्म हुआ तो खत्म होंगे। सातम लिखा हुआ, रक्षाबंधन है, दिवासा कब है वो लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखता हूँ तो पिछले साल कौन से दिन कहाँ गए थे वो याद होता है उसके लिए। उस टाइम पे सीरियल ने वो सब चीज़ें नहीं थी, चित्राल ने हफ्ते में एक बार आवे, रामायण आ तो मतलब सन्नाटा हो जावा कि नहीं या तो महाभारत है रामायण के चित्र आ रहे, सन्नाटा हो जाता था उस टाइम पे। जरा हमको थोड़ी तकलीफ हो फिर भी हमने टीवी से टक्कर ली, बाकी जब ये वीसीए ये सीडी आई ना उससे हम हार गए। उससे हम हार यूँ गए कि 20 रुपये में मिलती है, 20 रुपये 50 रुपये नॉर्मल है, कोई भी आता है लेके नहीं, क्योंकि वो खुद की पिक्चर हो गई, खुद ने खरीद ली, घर में जब भी मन चाहा जब उसने लगा के देख ली, उससे हमको जरा धंधे में बहुत डिप्रेस पड़ गई। पर एक कुदरत ही ऐसा है कि हम मेहनत करके जाते हैं ना तो ऊपर वाला दे देता है, ये एक नियम है, अपना मेहनत बातल जाती नहीं है। और मेरा मानना है यहाँ तक का कि वर्ल्ड में वन पीस है, ये कहीं आपको देखने नहीं मिले। अगर जो समझे इसको तो ये अनमोल है, अगर जो नहीं समझे तो ये मिट्टी है। ये योगदान मेरा और फिरोज भाई के ऊपर नहीं है, ये हमारी लारी के ऊपर योगदान, जो कुछ उसी की, क्योंकि वो है तो हम है तो वो है, ऐसा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि फिरोज भाई ने हम करते तो नहीं, जो कुछ है तो हमारा प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आप आए जो तो प्रोजेक्टर के जरिए आए, आप कहे फिरोज भाई हनीफ भाई के जरिए नहीं आए, आप इस प्रोजेक्टर और लारी के जरिए आए, तो आपको इतनी खुशी हुई कि आप देखे कितना नाम है, उसके साथ साथ हमारा भी नाम है। सबसे बड़ा हमारा योगदान तो वही है और हमारी रोजी रोटी भी वही है, माँ बाप भी वही है।